So, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं माइनॉक्सिडिल के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगी, तो आज का ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं माइनॉक्सिडिल का स्पेसिफाई करूंगी साइड इफेक्ट्स और आप कह सकते हैं इनके कॉन्स। तो आप इस वीडियो में ये जान सकते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम हिना है, मेरे चैनल का नाम है शॉपाहोलिक हिना। मैं यहाँ पर स्किन केयर, हेयर केयर और आपके एक्ने रिलेटेड ऑइंटमेंट, टॉपिकल सॉल्यूशंस, इस तरीके के मेकअप डीआईवाई वीडियो बनाती हूँ। तो अगर इस तरीके का आप वीडियो कंटेंट पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आगे भी मैं इसका एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, एक माइनॉक्सिडिल सजेस्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए जरूर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस भी मिल सके। तो देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया था कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में माइनॉक्सिडिल आपको मिलते हैं, जैसे कि 2%, 5%, 10%। और उसमें मैंने सजेस्ट किया था कि जो वुमेन है वो 2% से ही स्टार्ट करें, 5% पे तभी जाएं जब उनके कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस या फिर डॉक्टर की एडवांटेज ये भी है कि एक्सपेंसिव आता है, यानी 1300 रुपए के करीब का एमआरपी है इसका और लगभग आपको 1100-1200 रुपए में 5% वाला मिल जाता है, यानी जिसका कॉन्सेंट्रेशन 5% होता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपको इसे डेली लगाना है, थोड़ा लॉन्ग पीरियड तक चलता है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ऐसा मैंने बताया इसका रिजल्ट काफी ज्यादा डिसेंट और अच्छा देखा गया है। थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं हेयर ट्रीटमेंट है, तो बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ आपको इसे स्कैल्प में अप्लाई करना होता है और वो अप्लाई करने के लिए आपको 2 times इन अ डे करना होता है। अगर आप फीमेल है, लॉन्ग हेयर है, तो काफी ज्यादा मेसी हो जाता है इसको रेगुलरली इस तरीके से अप्लाई करना। बाकी ये तो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर कितने फ्रीक्वेंसी में इसे अप्लाई करने को देते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये इसका एक कॉन समझ सकते हैं। कई माइनॉक्सिडिल के रिसर्च में, स्टडीज में माना गया है कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ आपके बॉडी पर भी करते हैं, ये इसका एक साइड इफेक्ट भी है। और ये परसेंटेज कम तभी हो सकता है जब आप 2% का टॉपिकल सॉल्यूशन लगाते हैं, यानी कि इसीलिए कि 2% से ही स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन जो भी पर्सन 5% या फिर इससे अबव के कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं माइनॉक्सिडिल के, तो उनको ये फेशियल हेयर ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा देखी जाती है। और ये हो सकता है जैसे कि फीमेल है वो कई स्कैल्प पे लगाती हैं, अप्लाई करती हैं और स्वेट के थ्रू या किसी के भी थ्रू अगर वो आपके फेस पर आता है तो ये जो है इस तरीके की ग्रोथ को प्रमोट करता है जो कि आपके फेशियल हेयर होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप इस तरीके की ट्रीटमेंट ले तो रात में ले, क्योंकि रात में एक्टिविटी नहीं होती है, इतना स्वेटिंग नहीं होती है, ले डाउन होते हैं आप तो फेस पे आने के चांसेस कम रहते हैं, आपके स्कैल्प में ही घूमता है वो भी जो भी टॉपिकल सॉल्यूशन है, और अपने वॉश करना होता है इमीडिएटली ताकि आप वो किसी बॉडी पार्ट पे टच ना करें और इस तरीके के इश्यूज ना देखने को मिले। कई साइड इफेक्ट्स में एक ये भी साइड इफेक्ट माना जाता है कि जब आप इसको यूज करते हैं और यूज करते दौरान 2 से 4 हफ्ते यानी लगभग 1 महीने जब हो जाते हैं इसके यूज करने के बाद, तो आपको महसूस होगा कि ये आपके स्कैल्प पे लॉस को प्रमोट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो माइनॉक्सिडिल है वो नीचे से पुश करता है ओल्ड हेयर को, वहां से रिमूव होकर आपके जो रिजन जो होता है उसको प्रमोट करता है ताकि आपके जो हेयर आए वो थिकर आए और लॉन्गर आए, स्ट्रॉन्गर आए। तो इस तरीके का साइड इफेक्ट और इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट साइड इफेक्ट की और आप कह सकते हैं कौन की, तो एक्चुअली क्या होता है, माइनॉक्सिडिल जो है एक टॉपिकल सॉल्यूशन है, जैसे कि ये डीप इन जाके काम करना अपना स्टार्ट करता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्सपेंसिव भी हो जाता है क्योंकि 3 से 4 महीने चलाना माइनॉक्सिडिल को और फिर री अगेन बाय करना उसे, तो इसी वजह से ये इसका कौन भी है। लेकिन इसका रिजल्ट कई बार लोगों पे डिपेंड करता है, 4 से 1 साल तक का एक लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज करने पे इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो आपको पता ही है कि ये आप एकदम सिवियर कंडीशन में ही माइनॉक्सिडिल कंसिडर किया जाता है, यानी जो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है जिसमें पैचेस पड़ जाते हैं, जिसको आप हिंदी में गंजापन भी कह सकते हैं, जो स्पॉटेडली आपके पैचेस पड़ते हैं उसी के लिए यूज होता है। तो अगर आपको इस तरीके का रिजल्ट चाहिए कि ऐसा कुछ आपको फेस ना करना पड़े, तो इतना आपको वेट जो है वो करना ही होता ही है। जब ये माइनॉक्सिडिल अप्लाई करते हैं तो इरिटेट हो जाती है स्किन, ड्राइनेस आने लगती है, फ्लेकीनेस भी फील होती है। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका स्कैल्प कैसा है, क्योंकि आपको मैंने बताया ही है कि अप्लाई कैसे करना, माइनॉक्सिडिल में क्लीन होना चाहिए स्कैल्प, देन ओनली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर में। आपको अपना जब भी माइनॉक्सिडिल बाय करना है प्रिकॉशन के तौर पे अपनी प्रीवियस हिस्ट्री, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं चाहे वो आपका डाइटरी सप्लीमेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज उसके साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए जो कि माइनॉक्सिडिल को जो है आपको नेगेटिव इफेक्ट दे। ये था मेरा ओवरऑल माइनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट कॉन्स और आप कह सकते हैं इसके बारे में एक डिटेल जो आपको प्रिकॉशन लेके चलनी होगी। इसको मुझे अलग से इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप इसके साइड इफेक्ट कॉन्स वगैरह नहीं जानेंगे तो सकता है कि आपको ये एडिशन में भी ले जाए। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसका डिफरेंट पार्ट बनाऊं, और इसी वजह से ये डेडिकेट है सिर्फ साइड इफेक्ट्स कॉन्स और प्रिकॉशंस को लेकर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉक्सिडिल के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस मिल गई होंगी जो कि आपको ध्यान रखनी होगी यूज करने से पहले। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।